हेलो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी। बस थोड़ा बाल गीले हैं इसलिए बांधे नहीं हैं। और नई सुबह की नई शुरुआत हो गई है। और आज जो है, आज कल तो भजन हो ही गए थे, आप सभी ने देख लिया होगा। अब जो है हम जाएंगे बालाजी महाराज के भोग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रसादी या प्रसादी में पता ही है आप सभी को कि बालाजी के भोग लगता है। फिलहाल जो है अभी लाइटें गई हुई है और थोड़ा काम अटक गया है, तो लाइटों का जो है काफ़ी वेट हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी नीचे, देख रही हूँ ये काम वाम कितना हो गया है, सब कितने रेडी हैं। बस एक बार लाइटें आ जाए यार, क्योंकि बिना लाइटों के तो सारा काम ही ऐसे ठप पड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है गर्मा गर्म पोए का नाश्ता मिल रहा है सभी को, और सब पोए को इंजॉय कर रहे हैं। बाल्टियों में यहाँ पे हमारा प्रसाद रेडी है और मम्मी और पापा लगे हैं पैकिंग करने में। और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। ये रहे हमारे पापा पिताश्री, जो घर पर नाश्ता कर नहीं पाए तो वो यहाँ पे कर रहे हैं सड़क पर गाड़ी के सामने। और ये रही हमारी गाड़ी, छोटी मिनी गाड़ी करी है हमने। एक बार भारी थोड़ी। बहुत गंदी लाग रही है, तू कहीं करो तन ले थोड़ी। आ गए क्या सभी यात्रीगण? तो किसका इंतजार है फिर? बस ये हाथ में लेके बैठना है, लेकिन जूते हाथ नहीं, हाथ में जूता को नहीं। हाँ, जूता थोड़ी हाथ ये भोग है ना, भोग। हाँ, नहीं जूता को नहीं। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हाथ उठा के महाराज की जय हो। कई मारे पार्टी का होकर तो तना आनो चीना बेटा, चल चाय पानी नाश्ता हो गया है दोस्तों, लेकिन मैंने तो ये जो है थोड़ी फ्रूटी ले ली है। और हाँ, आ गया आ गया। अब वापिस से हम निकल रहे हैं फाइनली। अब बीच में नहीं रुकेंगे, अब डायरेक्ट बालाजी महाराज के ही उतरेंगे। यार बच्चों, यार आप इतनी सी उम्र में बहुत बढ़िया ढोल बजाते हो, अच्छा बजाते हो आप, एक बार बजा दो वापिस से। अभी जो है जिया जी, मम्मी, फूफा जी और सब जने मिल के जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सब बाकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी अपनी जो भी है हिस्सेदारी निभा रहे हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम बालाजी महाराज के जा रहे हैं झंडा लेकर। और ऐसा ही हमारे भाग्य में यही नसीब हो कि हम बार बार बालाजी महाराज के आएं और प्रसादी करें और आप सबकी दुआएं हमारे साथ हो। तो बस चलिए, आप सब भी दर्शन करिएगा। बालाजी महाराज की जय हो। आ गए हैं पापा और धीरे धीरे सारा परिवार आ रहा है पीछे। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मंगलवार के दिन जैसे ही यहाँ पे पूरी जगह लोग जो है यहाँ पे आते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेला भर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेली हर मंगलवार को ऐसा ही माहौल रहता है। तो अब आ गए हैं हम यहाँ पे ग्वाल जी के मंदिर में। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में ग्वाल जी के दर्शन करते हैं हम।
सबकी आएगी सबकी आएगी, सबका नंबर आएगा सबका नंबर आएगा। दो दो बार प्रसादी तो हो गई है इतनी जल्दी जल्दी, बस ऐसे ही और प्रसादी होती रहे और आते रहे हम, ऐसे ही मनोकामना पूर्ण होती रहे और हर बार प्रसादी करते रहें। तो दोस्तों घूमते घूमते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और मम्मी पापा और सब जने मिलके रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। चलो 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 विश्राम हो गया, चलो अब। अरे हो गया विश्राम, हो गया, चलो आगे देखिए तो ना मंदिर। फोटो खींच रखी है आपने दोनों की बचपन में, है ना? हाँ बाल की भाई फोटो। पहले आए थे यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, आज यहाँ के दर्शन भी कर लीजिए। दोस्तों मंदिर है, ये श्री राम जी का मंदिर है। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से दोस्तों। ये वाली जगह है, ये वाली जहाँ पे मैंने और टोनू ने बचपन में हमारी मम्मी पापा इन दोनों को बिठा के फिर फोटो क्लिक करवाई थी, और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि कौन सी वाली फ़ोटो खिंचवाई थी। और आज हम फिर से उसी स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं, फिर से वही याद जो है ताज़ा हो रही है हमारी। भाई टोनू और गहलोत साहब पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इन दोनों चिट्टू पिट्टू को लेके अब आए हैं और अब हम जाने वाले हैं अपने घर की तरफ। फाइनली सारा काम हो गया, अब चल रहे हैं घर की ओर। आ रहे आ रहे, आते जाओ आते जाओ। हाँ वह लेडीज में भाई, छोटी लेडीज थी ना। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हम आ गए हैं लेकिन अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, मेहमान भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं घर घर के, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। देख रहे हो कितनी ज़्यादा मेरे पैर में स्वेलिंग आ चुकी है, ये देखो बहुत ज़्यादा वाली स्वेलिंग आ गई है पैरों में। तो दोस्तों अभी मैंने ठंडे पानी से मुँह धोया, अब जाके अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खाया जा रहा खाना। खाने में क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। खाने में हमारे पास में इतनी सारी वैरायटी है, मीठे चावल, नमकीन चावल, ये मिक्स सब्जी, रायता, रोटी, सैलेड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं।